अनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये कल वाला आ गया था आपको समझ में? किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि वेदों में तो जड़ चेतन दोनों की पूजा का विधान है, तो इसलिए वेद कैसे हो गए? संशयास्पद हो गई। जड़ को मानते हैं या चेतन को मानते हैं देवता के रूप में वेद? तो क्या उत्तर है? क्योंकि वहां कहीं अग्नि वायु ऐसे उपासना का वर्णन है, कहीं एक चेतन ब्रह्म की उपासना का वर्णन है, तो वेद तो संशयास्पद हो गए। वो जड़ के उपासक हैं कि चेतन के? जो जितने सारे देवता माना जाता है, जैसे अग्नि हो वायु हो, सब वो वायु अग्नि तो उस तो जड़ है, परम ब्रह्म से ही तो उनका सृष्टि हुआ है, तो उनका मूल कारण तो परम ब्रह्म ही है, तो इसीलिए एक ब्रह्म का ही उपासना करना चाहिए, तो वही है। इन्होंने जो बताया वो भी जरा कोट करो, इन्होंने क्या बताया था? चक्षु का उदाहरण देके क्या बताया इन्होंने? चक्षु का उदाहरण इन्होंने बताया कि चक्षु से तो देखते हैं, इसको चक्षु को देवता माना चाहिए, तो चक्षु तो जड़ है ना। हाँ, क्या बताया? लेकिन चक्षु में जो देखने की जो शक्ति है वो तो परम ब्रह्म से ही मिली है ना। हाँ, ये बताना चाहिए कि जड़ होते हुए भी जैसे चक्षु में जो देखने की शक्ति है वो भगवान ने दी है, और उतनी शक्ति के लिए उन्होंने चक्षु को स्वतंत्र कर दिया है। वो रूप को देखने में चक्षु स्वतंत्र है, वो रूप को अच्छा देखेगी, बुरा देखेगी, मीडियम देखेगी, कैसा देखेगी, उससे कैसे संस्कार बनाएगी, उसमें चक्षु क्या है? स्वतंत्र। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपनी कुछ कुछ शक्तियां इन देवताओं को भी दे दी हैं, अग्नि को, जल को, वायु को, और उस शक्ति में वो स्वतंत्र हैं। तो इतनी मात्रा में वो स्वतंत्र देव हैं, क्योंकि वो दिव्यता उनमें ब्रह्म की ही दी हुई है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ईश्वर तो ईश्वर ही है, तो वो तो बिना ईश्वर की कृपा से बिना चक्षु वाले को भी रूप दिख जाने चाहिए, तो ईश्वर उसको दे देना अपने वीटो पावर। तो बोले नहीं, ईश्वर ने चक्षु में ही अपनी शक्ति दी है और फिर उसको एक स्वतंत्रता दे दी, एक व्यवस्था बना दी कि रूप जो भी दिखेंगे वो किससे दिखेंगे? चक्षु से ही दिखेंगे, इसलिए रूप के देखने में चक्षु ही देवता है। तो जितना जितना इन जड़ चीजों में भी दिव्यत्व है, उतनी उतनी मात्रा में वो भी देवता है, उसको भी देवता माना है वेद में। पर उनमें भी वो दिव्यत्व किसका दिया हुआ है? ईश्वर का ही दिया हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से देवता कौन है? ईश्वर ही है। तो ये इन्होंने बताया कि न अत्र काचित क्षति अस्ति, इसमें कोई क्षति नहीं है, उनको भी इतने रूप में देवता मान लें 33 को भी, तो इसमें कोई हानि नहीं है। कुतः वेदेषु यत्र यत्र उपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेन ईश्वरस्य एव ग्रहणात्। क्योंकि इनकी हम उपासना नहीं करते हैं, बल्कि इनसे जो सदुपयोग लिया जा सकता है वो हम लेते हैं, तो उस रूप में हम इनको देव मानते हैं, और उस रूप में तो हम अपनी इंद्रियों को और मन को भी देव मानते हैं, क्योंकि देव की हमने निरुक्ति क्या की थी? देव कस्मात? दानात, द्योतनात, दीपनात,
तो ये भी तो हमें विषयों को द्योतित करते हैं ना, तो इसलिए ये भी देव है, इंद्रियां भी। द्योतनाथ दीपनाथ विषयों का प्रकाशन यही करते हैं हमारे सामने कि ये विषय कैसा है, तो इतने रूप में तो ये भी देवता, तो इसमें कोई क्षति नहीं है ऐसा कहने में। पर उपासना सब जगह वेदों में देवतात्व के रूप में ईश्वर की ही की गई है। अब आगे कह रहे हैं तत्रपि मतद्वयम्, कह रहे हैं यहां भी दो मत हैं, विग्रहवत्य अविग्रह देवता भेदात्, कुछ देवता विग्रहवत विग्रह वाले हैं, विग्रह मतलब मूर्तिमान हैं, और कुछ अविग्रह और कुछ अमूर्त हैं, कुछ मूर्त देव हैं कुछ अमूर्त देव हैं। अग्नि तो मूर्त है, वायु अमूर्त, अग्नि का मूर्ति है ना, एक रूप है ना अग्नि का तो, और वायु का कोई रूप नहीं, आकाश का कोई रूप नहीं, जल का रूप है, पृथ्वी का रूप है। तो कह रहे हैं यहां तत्र अपि मतद्वयम् विग्रहवत्य अविग्रहवत्य देवता भेदात्, दो प्रकार के देवता हो जाते हैं, तच्च उभयम् पूर्वम् प्रतिपादितम्। तो कह रहे हैं ये पहले भी प्रतिपादित किया था, अब और बता देते हैं आगे। तो मूर्तिमान में कौन कौन आएंगे वो भी बता रहे हैं। कह रहे हैं देखो जैसे शास्त्र में कहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, और एक स्वामी जी ने जोड़ दिया राष्ट्र देवो भव, और कहा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये वायु के लिए कहा है वहां पर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, उपनिषद का मंत्र है ना ये, इसकी शुरुआत क्या है, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, ये कहा है वहां पर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तो वहां वायु को क्या कहा, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इति सर्व मनुष्य उपास्या पंच देवता। तो ये जो पांच भूतों को हमने देवता कहा, अग्नि जल आदि को, ये सब सब मनुष्यों के द्वारा उपास्य हैं, सर्व मनुष्य उपास्या पंच देवता, या फिर ये ऊपर वाले मातृदेव पितृदेव आचार्य देव अतिथि देव और ऊपर वायु देव, तो ये जो पांच हैं, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ऐसे कहा, तो ये पांचों सब मनुष्यों के द्वारा उपासना करने योग्य हैं। पंच देवता सर्व मनुष्य उपास्या तैत्तिरीय उपनिषदि उक्ताः, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, यथा अत्र माता पितरौ आचार्यः अतिथिश्च इति सशरीरा देवता संति। तो ऊपर वाले चार तो क्या हैं, विग्रहवान सशरीर, माता पिता आचार्य और अतिथि, ये देवता कैसे हैं, शरीर वाले, और वायु देवता कैसा है, निशरीर। तो ये तो सशरीरा देवता संति एवं सर्वथा निशरीरम ब्रह्मास्ति, और ब्रह्म तो सर्वथा निशरीर है। तो ये पांचों प्रकार के देवता यहाँ पर बताए, कुछ विग्रहवान हैं कुछ विग्रह से रहित हैं। तथैव पूर्वोक्तासु देवतासु अग्नि पृथ्वी आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि च इति पंचवस्व विग्रहवत्य सन्ति। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से पूर्वोक्त जो वसु हैं, पूर्वोक्त देवतासु अग्नि पृथ्वी आदित्य चंद्रमा और नक्षत्राणि, ये पांच कैसे हैं, पांच वसु विग्रहवत्य विग्रहवान सशरीर, इनकी मूर्ति है, सकल सूरत है इनकी,
एवं एकादश रुद्रा, द्वादश आदित्या, मनः, षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि, वायु, अंतरिक्षम, द्यौः, मंत्राश्च इति शरीर रहिता। जो 33 देव बताए थे उनमें से कुछ तो विग्रहवान है, मूर्तिमान है। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये दिखाई देते हैं ना, ये तो हैं विग्रहवान। और जैसे एकादश रुद्रा, प्राण, तो प्राणों की कोई मूर्ति नहीं है। द्वादश आदित्य, आदित्यों की भी कोई मूर्ति नहीं है। मन की कोई मूर्त नहीं है। ज्ञानेन्द्रियां, इनकी भी कोई मूर्त नहीं है। मतलब ये जो गोलक के अंदर जो इंद्रिय है ना, उसकी बात कर रहे हैं, गोलक की नहीं कर रहे हैं। तो चक्षु की तो मूर्त है, लेकिन चक्षु के अंदर देखने वाली जो शक्ति, उसकी कोई मूर्त नहीं है। तो ये मन और षष्ठानी ज्ञानेन्द्रियाणि, वायु, अंतरिक्ष, देव, ये सब क्या हैं, और मंत्र, ये शरीर रहित देवता हैं। तो कुछ शरीर सहित हैं, कुछ शरीर रहित हैं। तथा स्तन इतनो विधि यज्ञौ च शरीर देवते स्त इति। वैसे ही जो ये बिजली है और जो विधि यज्ञ है, स्तन इतनो विधि यज्ञौ च शरीरा शरीरे देवते स्त, वो शरीर वाले भी हैं, अशरीर वाले भी हैं। स्तन इतनो थोड़ी तो चमकती है, तो उसका कुछ आकृति दिखती भी है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं देख सकते जैसे पृथ्वी को देख रही हैं या जैसे आदित्य को, क्योंकि वो क्षण भर में उसका रूप गायब हो जाता है। तो इसलिए वो शरीर भी है, अशरीर भी है। ऐसे ही जो विधि यज्ञ है, विधि यज्ञ है, उसमें कुछ सामग्री आदि तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्रक्रिया करने के बाद और वो जो यज्ञ हो जाता है, सूक्ष्म हो गया, वो दिखाई नहीं देता है। मंत्र बोले जाते हैं तो मंत्र दिखाई नहीं देते हैं। तो ये दो ऐसे हैं, स्तन इतनु और विधि यज्ञ, ये शरीर अशरीरे, शरीर भी हैं, अशरीर भी हैं, ऐसे देवता हैं ये दो। तो द्विवचन आ गया, शरीर अशरीरे देवते स्त इति, देवता देवते, आकारांत है ना। एवं सशरीर निशरीर भेदेन देवता द्वयम् भवति। तो इस प्रकार से शरीर वाले और निशरीर, इस भेद से देवता द्वयम् भवति, दो प्रकार के देवता होते हैं, कुछ शरीर वाले, कुछ बिना शरीर वाले। तत्र एतेषां व्यवहार उपयोगित्व मात्रमेव देवतात्वं गृह्यते। तो कह रहे हैं तत्र एतासां व्यवहारोपयोगित्वम्, जैसा इनका व्यवहार में हम उपयोग करते हैं, तत्र एतासां व्यवहार उपयोगित्व मात्रम एव देवतात्वं गृह्यते। व्यवहार में जैसा जैसा जिसका उपयोग है, अग्नि का, वायु का, जल का, पृथ्वी का, आकाश का, वैसा वैसा ही उनका देवतात्व, देवतापन ग्रहण करना चाहिए। ये सब व्यवहार की सिद्धि करने के लिए देवता हैं, व्यवहार के हित का साधन करने के लिए ये सब देवता हैं। इत्थमेव मातृ पित्राचार्य अतिथि नाम व्यवहार उपयोगित्वम् परमार्थ प्रकाशकत्वम् च एतावन् मात्रम् च। और कह रहे हैं इसी प्रकार से माता, पिता, आचार्य और अतिथि, ये भी कैसे हैं, व्यवहार उपयोगित्वम्, हमें व्यवहार सिखाने में ये उपयोगी हैं। माने लोक व्यवहार हमें कैसे आए, अगर माता पिता, गुरुजन, अतिथि ये ना हो। पहले अतिथियों का भी यही होता था कि कोई भी जाने वाला जैसे रात में निवास करता है घर में, तो उसका ये कर्तव्य होता है जिस घर में वो रुकेगा उनको कुछ थोड़ा उपदेश देगा जो उसके जीवन का अनुभव है। तो इस प्रकार से ये चारों क्या करते हैं, व्यवहार उपयोगित्वम, परमार्थ प्रकाशकत्वम च, और परमार्थ का ये प्रकाश करने वाले हैं, ये हमें सिखाते हैं कि व्यवहार कैसे करना चाहिए, और व्यवहार के साथ साथ परमार्थ माने अभ्युदय और निश्रेयस, इन दोनों की शिक्षा को प्रकाशित करने वाले देवता हैं ये चारों। व्यवहार उपयोगित्वम परमार्थ प्रकाशकत्वम च एतावत् मात्रम च,
इनका इतना ही देवतात्व है कि ये हमें व्यवहार की शिक्षा देते हैं और परमार्थ का प्रकाश करते हैं। परमेश्वरस्तु खलु इष्टोपयोगित्वेन एव उपास्यो अस्ति। लेकिन परमेश्वर कैसा है? इष्ट उपयोगित्वेन, जो हमें इष्ट है, हमें इष्ट है शाश्वत सुख, उस इष्ट के उपयोगित्व के रूप में ही वो उपास्य है जो हमारा इष्ट है। क्योंकि हम जो भी लोक में व्यवहार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उन सब के माध्यम से हमें इष्ट क्या है, चाहते क्या है, हम क्यों करते हैं ये सारे काम? सुख के लिए। कोई विद्यार्थी विद्या क्यों लेना चाहता है? सुख के लिए। कोई धनवान व्यक्ति धन क्यों कमाना चाहता है? सुख के लिए। कोई व्यक्ति व्यायाम प्राणायाम क्यों करना चाहता है? सुख के लिए। हमारी हर चेष्टा, आप खाना क्यों खाना चाहते हैं? सुख मिलेगा उससे, नहीं खाएंगे तो दुख मिलेगा। तो सारी की सारी चेष्टाएं हमारी क्या है? सुख। और सुख भी हम कौन सी खोज में है? शाश्वत सुख की खोज में है। मिलता नहीं है इन वस्तुओं से, वो तो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा सुख को ही इष्ट मानती है। तो इसलिए कहा परमेश्वरस्तु खलु इष्टोपयोगित्वेन एव उपास्यो अस्ति, न अतः वेदेषु हि अपरा काचित् देवता पूज्य उपास्यत्वेन विहितास्ति इति निश्चियताम्। इसलिए वेदेषु, वेदों में, अपरा काचित् देवता, ईश्वर के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय और कोई भी देवता पूज्य उपास्यत्वेन न विहिता अस्ति, पूज्य रूप में या उपास्य रूप में विहित नहीं है, इति निश्चियताम्। ऐसा निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उपासना करने के योग्य एक ही है, ब्रह्मदेव। अतः इदानीनंतनाः केचित् आर्या यूरोप खंडवासिनश्च भौतिक देवतानामेव पूजनं वेदेषु अस्ति इति ऊचु वदन्ति च तद् अलीकतरम् अस्ति। करें इसलिए अतः इदानीनतना, आजकल के, ये शब्द आपको याद कर लेना चाहिए। आप संस्कृत बोलते हैं ना यहाँ, तो आजकल बोलना है आपको कि आजकल तो ऐसे हो रहा है गुरुकुल में, तो क्या बोलेंगे? इदानीनतन। इदानीनतन माने आजकल। इदानीनतन केचित आर्या, आजकल के कुछ आर्य, यूरोप खंडवासिनश्च, जो यूरोप खंड में रहते हैं माने बाहर विदेशों में जो रहते हैं, वो भौतिक देवता नाम एव पूजनम वेदेशु अस्ति। वो कहते हैं वेदों में तो भौतिक देवताओं का पूजन ही लिखा है। उस समय की बात है, ये महर्षि दयानंद के समय की बात। तो उस समय कुछ लोग, बाहर रहने वाले जो लोग थे, वो ऐसे बोलते थे कि हमने वेद को पढ़ा और वेदों में तो जड़ पूजा का विधान है। केचिदार्या यूरोप खंडवासिनश्च भौतिक देवतानाम एव पूजनम वेदेषु अस्ति इति ऊचु, ऐसा वो कहते हैं। वदन्ति च तद अलीकतरम अस्ति, ऐसा जो बोलते हैं वो क्या है? अलीकतरम, लीक से हटकर। लीक शब्द सुना आपने कि ये व्यक्ति लीक से हट गया? नहीं सुना? हिंदी में बोला जाता है ये, लीक से हट गया, मतलब जो उसका पथ था जिस पे उसको चलना चाहिए था, उससे वो इधर उधर हो गया, मैं लीक से हट गया ये लड़का, मतलब वो अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं? अलीक तरम अस्ति, जो ऐसा मानते हैं वो ठीक नहीं मानते हैं। तो जो ऐसे बोलते हैं वेदेषु भौतिक देवतानाम एव पूजनम अस्ति इति ऊचु, ऐसा जिन्होंने कहा, वदन्ति च, और अभी भी जो बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले भी कहा या अभी भी बोल रहे हैं, तद अलीकतरम अस्ति, यथा यूरोप खंडवासिनो बहव एवं वदन्ति, पुरा ही आर्या भौतिक देवतानाम पूजका आसन। और कह रहे हैं वैसे ही यूरोप खंड में रहने वाले बहुत सारे आर्य ऐसे भी कहते हैं कि पूरा ही आर्य भौतिक देवता नाम पूज का आसन। पहले तो आर्य लोग जड़ पूजा ही करते थे, क्योंकि वेद की शुरुआत ही किससे होती है? अग्नि मेले पुरोहितम, तो अग्नि क्या है? जड़। तो बोलिए आर्य लोग तो पहले जड़ की पूजा करते थे,
पूरा ही आर्य भौतिक देवतानां पूजका आसन पुनस्ता संपूज्य सोमपूज्य च बहु कालांतरे परमात्मानं पूज्यं विदु इति तदपि असत। तो वो कहते हैं कि पहले तो ये भौतिक देवताओं को ही पूजते थे, अग्नि आदि को ही, लेकिन संपूज्य संपूज्य ऐसे पुनः ता संपूज्य संपूज्य उनको पूजते पूजते बहु कालांतरे बहुत समय के बाद परमात्मानं पूज्यं विदु, बहुत समय के बाद उन्होंने परमात्मा को पूज्य माना, पूज्य जाना, बहुत समय के बाद उनको परमात्मा का पता लगा, पहले तो ऐसे ही जड़ पूजा ही करते रहते थे। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कह रहे तदपि असत, झूठ है ये, ऐसा नहीं है। तेषां सृष्टि आरभ्य अनेक इंद्र वरुण अग्नि आदि भी नाम भी वेदोक्त रीत्या ईश्वरस्य उपासना अनुष्ठान आचार गमात, कह रहे ये झूठ है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अनेक इंद्र वरुण अग्नि आदि भी नाम भी इंद्र वरुण अग्नि आदि नामों के द्वारा वेदोक्त रीत्या वेदोक्त रीति से ईश्वरस्य एव उपासना, ईश्वर की ही उपासना कर रहे थे, ईश्वरस्य एव उपासना अनुष्ठान आचार आगमात, इन सब के नाम से भी वो ईश्वर का ही अनुष्ठान कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो जड़ के उपासक थे, बल्कि वेद में जो ये नाम आए हैं इंद्र वरुण अग्नि, इन नामों से वो परमेश्वर की ही उपासना करते थे, जड़ की पूजा नहीं करते थे। अत्र प्रमाणानि, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, जैसे पहला ही है अग्निमेले पुरोहितम, तो कह रहे हैं अस्य मंत्रस्य व्याख्याने इंद्रम मित्रम ऋग मंत्रो अयम, ये ऋग्वेद का मंत्र है, अस्य उपरि इमम एव अग्निम महांतम आत्मानम इत्यादि निरुक्तम च लिखितम, कह रहे हैं इस अग्नि के ऊपर ही निरुक्त में लिखा है कि ये अग्नि क्या है, महांतम, ये सबसे महान है, अग्नि का मतलब है ब्रह्म ईश्वर जो सबसे बड़ा है, ये निरुक्त में भी कहा है यास्काचार्य ने। आत्मानम, आत्मानम माने परमात्मानम, अग्नि को ही वहां परमात्मा कहा है, महान कहा है, इत्यादि निरुक्तम च लिखितम तत्र द्रष्टव्यम, इसलिए उन लोगों को वहां देखना चाहिए निरुक्त में, जो यूरोप खंडवासी निंदा करते हैं उनको वहां देखना चाहिए। तथा तदैव अग्निस्तदादित्यस, ये मंत्र है ना, तदैव अग्निस्तदादित्यस तद वैश्य तदु चंद्रमा, वो सब कुछ आप तो उसी को ही कह रहे हैं, वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही चंद्रमा है, वही सोम, ऐसे कोई होता है सब चीज एक ही हो जाए, तो इस मंत्र के ऊपर जो कहते हैं यजुर्वेद का जो मंत्र है, तो वहां भी ऐसे ही मान लेना चाहिए कि वो सब ईश्वर के ही नाम है। जैसे यहाँ पर एक ऋग्वेद का मंत्र इन्होंने दिया, तम ईशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियम जिन्वम अवसे हुमहे वयम पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्ते, स्वस्ति वाचन में भी आता है तम ईशानम, उस ईश को, कैसा ईश है, जगतस्तस्थुषस्पतिम, जगत माने चलायमान और तस्थुस मतलब जंगम, जड़ और चेतन इन दोनों प्रकार की सृष्टि का जो मालिक है, जगतस तस्थुषस्पतिम धियम जिन्मव अवसे, जो हमारी धीय बुद्धियों को और हमारे शरीरों को अवसे जो रक्षा करता है, वयम होमहे उसको हम बुलाते हैं, पूषा वो हमारा पालन पोषण करने वाला, पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे, वो वेद साम सद्वृधे है, वो आकर के हमारी इस स्तुति को जाने और हमें बढ़ाए, रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये, और वो हमारी रक्षा करने वाला हमारी रक्षा के लिए आए और हमारे कल्याण के लिए हम उसको बुलाते हैं, स्वस्थ कल्याण के लिए। ऐसे ही जैसे कहा हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है।
हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, अग्रे माने सृष्टि के आदि में, जब ये सृष्टि बनी तब हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ ही विद्यमान था। हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्य तो सोने को कहते हैं, तो सुनहरे ढक्कन वाला एक बहुत बड़ा अंड था। ये उपनिषद में भी आता है सृष्टि रचना, और ये वेद में भी है और पुराण में भी ऐसा ही आता है। जो सत्व रजस तमसाम से लेकर के पंचभूत तक के जो 23 तत्व हैं, ये सब के सब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तीन दाने है सत्व रज तम के और इतनी सी जगह में आ गई। इतने सारे प्राणियों की जो सृष्टि हुई जड़ और जंगम जगत की, तो उसका रॉ मटेरियल कितना होगा, कितनी इतनी सब्जी आती है, बोरा भर भर के आती है, तो इतनी सी बनती है ना, जो प्रोसेस होके बनती आप बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल कितना होगा। तो वहां पर बताया है कि ये सारा का सारा जो 23 तत्वों का जो रॉ मटेरियल है, ये इतना है कि 50 करोड़ योजन इतने स्थान में है ये, और फिर उसके आगे उससे 10-10 गुणा 7 लेयर और हैं। उससे 10 गुणा मतलब ये 50 करोड़ योजन है तो 500 करोड़ योजन ऐसे 10 लेयर और हैं। तो ये इतनी ज्यादा जगह इसने घेरी हुई है, और ये सारा का सारा मिलाकर के फिर ये है हिरण्यगर्भ। और ऐसे ऐसे हिरण्यगर्भ, ये केवल इस पृथ्वी से संबंधित हिरण्यगर्भ है, इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी से संबंधित जो सृष्टि है उसके लिए ये एक अंड है, ये समझो। और ये इस यूनिवर्स में तो एक परमाणु जैसा है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है इस यूनिवर्स में। हम बोलचाल में तो सारे यूनिवर्स को ही ब्रह्मांड बोलते हैं, पर ये इनकी भाषा में ब्रह्मांड का मतलब है इस पृथ्वी से संबंधित जो ये एक गोला है उसको इन्होंने कहा है। तो शुरू में सृष्टि बनी कैसे, उसका वर्णन है ये। अग्रे हिरण्यगर्भ समवर्तत, सृष्टि के आदि में एक हिरण्यगर्भ था, उससे भूतस्य जातः, उससे ये प्राणी पैदा हुए, और उसका पतिरेक आसीत, उस सारे मटेरियल का स्वामी एक ही था। आसीत मतलब उस समय था, अब भी है, आगे भी होगा, तीनों अर्थ में है ये। सदाधार पृथ्वीम, उसी परमात्मा ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। द्याम उत इमाम, और इस द्युलोक को भी उसी ने धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप देव के लिए मैं हविषा, हवि के द्वारा पूजा करता हूँ। तो इस प्रकार से इन मंत्रों में उस एक परमेश्वर की ही स्तुति गाई है, ऐसे ये बता रहे हैं। आगे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर मंत्र हैं इसमें, तो इनको भी आप एक बार पढ़ लेना। तो इस प्रकार से ये देवता वाला विषय आज हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।